सांवली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी, ठंडे की बोतल में तेरा अपना रे तुझे गट गट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में, जिसे आप केसीआर के नाम से जानते हो। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रदेश के प्रमुख बांध एवं बावड़िया और साथ में उनको याद करने की लाजवाब ट्रिक। तो आज हम देखेंगे प्रदेश में जो बांध है और बावड़िया है उनको हम जिले वाइज किस प्रकार से, जो एक बोरिंग सी चीज़ है, याद नहीं होती है, मुश्किलात आती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने सारे हैं कि ये याद हो ही नहीं पाते हैं। कुछ याद रहते हैं और काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो ये समस्या आपकी ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए मैंने जो ट्रिक्स बनाई है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि एक टीचर होने के नाते एक जो कीड़ा होता है समझाने का, वो मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊँगा, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताता जाऊँगा ताकि आपको याद रहे। तो आज पहले हम देख लेते हैं भरतपुर जो जिला है अपना, उसमें जो प्रमुख बांध एवं बावड़िया उनके बारे में। तो भरतपुर में एक तो है सीकरी बांध, अजान बांध, सेवर बांध, शाही तालाब बंध, बरेठा बांध। अब सीकरी बांध के बारे में बताने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा ही सेवर बांध के बारे में। अब सेवर आपको पता है कि भरतपुर में सेवर एक ये जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर में स्थित है, तो इससे आप सेवर याद रख लीजिएगा, ये भरतपुर में है। शाही बांध ये भी भरतपुर में है, सॉरी शाही बांध ये तालाब नहीं है, यहाँ पे बांध है दोस्तों, ये क्या है बांध, टाइपिंग में हो गया। इसके बाद में बंध बरेठा बांध, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और याद करने वाली चीज़ है। इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बंध बरेठा बांध है, ये भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है, और इसका निर्माण कुकुंद नदी पे किया गया। कौन सी नदी पे किया गया? कुकुंद नदी पे किया गया। और कब किया गया? 1897 में ये इसका निर्माण किया गया और राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस जो ये बरेठा बांध है उसकी एक विशेषता और है, वो ये है कि यह एक जहाज के समान है। ये जो बंध बरेठा बांध है वो कैसा है? एक जहाज के समान है ये बांध। तो ये तो हो गए इसके बारे में अपने विचार। अब मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, याद आप कैसे करोगे। तो इसकी ट्रिक है, साहब आज से भारत सिक्कर बंद। क्या है इसमें? साहब आज से भारत सिक्कर बंद। अब ये जो साहब है उसको आप ये वाला साहब मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए। तो साहब आज से भारत सिक्कर बंद। अब साहब से क्या हो जाएगा? साहब से हो जाएगा शाही तालाब। आज से क्या हो जाएगा? आज से हो जाएगा अजान बांध। आराम हो जाओ। देखिए अजान ये जुड़ते हुए है, ये ऐसे नहीं कि मैंने रामपुर से जोड़ दिए, ये इनसे मैच खा रहे हैं, ना कि मैं अलग से जोड़ रहा हूँ। साहब शाही तालाब, आज से अजान बांध, से क्या हो जाएगा? से हो जाएगा सेवर बांध। से क्या हो रहा है? सेवर बांध। इसके बाद में भारत से हम क्या याद रखेंगे? ये ट्रिक किसके बारे में है? भरतपुर के बारे में है, भरतपुर के बारे में ये ट्रिक है। सिक्कर से क्या याद रखेंगे? ये जो बांध है वो सीकरी बांध है, भरतपुर में सीकरी बांध है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बांध कहीं सिक्कर में तो नहीं है। तो साहब आज से भारत सिक्कर बंद। बस आज से भारत सिक्कर बंद है, और बंद है तो बंद है बस। तो बंद से क्या हो जाएगा? बंध बरेठा बांध। तो साहब आज से भारत सिक्कर बंद, साहब से ये शाही तालाब, आज से तालाब नहीं है शाही बांध, ये आज से अजान बांध, और इसके बाद से सेवर, भारत से भरतपुर के बारे में बताया गया, सिक्कर से ये सीकरी बांध है, और बंध से बंध बरेठा बांध। तो ये तो अपना हो गया भरतपुर के बारे में। आगे हम देख लेते हैं करौली के बारे में। करौली के बारे में जो चीज़ है वो ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, छोटी सी बातें हैं, वो हम अभी देखते हैं। इसमें देखिए तीन चीज़ें, एक तो पांचना बांध है, और ये जो पांचना बांध है वो कहाँ पे, आपको पता होगा, ये एक सिंचाई परियोजना भी है और बांध भी है। तो ये गुडला बांध के पास है, और इसमें ना जो गुडला बांध के पास में है एक तो, और दूसरी इसकी विशेषता अमेरिका के सहयोग से भद्रावती अटा, बरखेड़ा, माची व भैसावट, इनके जो संगम स्थल है ना, भद्रावती अटा, बरखेड़ा, माची व भैसावट के संगम स्थल पर ये परियोजना चलाई गई है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो बात है पांचना बांध की, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? पांचना बांध है। एक मोरेल बांध है, वो भी मिट्टी का बांध है, वो कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? ये मिट्टी का बांध, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ये पांचना बांध है। ओके, इसे सिंचाई परियोजना भी कहा जाता है, पांचना सिंचाई परियोजना भी कहा जाता है। इसके अलावा इस करौली में चोली देह बांध, तो एक है जग्गर बांध, चोली देह बांध, ये चोली की जगह चूली है, चूली, टाइपिंग मिस्टेक है, हो गई, चूली देह बांध याद रखना, चूली देह बांध और जग्गर बांध। ओके, अब याद कैसे करेंगे हम इनको? अपनी याद करने की ट्रिक ये रहेगी, नीचे चलते हैं, पाँचू जागा करो, तो पाँचू जागा करो, इससे हम बनाएंगे, पाँच से बनाएंगे पांचना बांध। चू से क्या हो जाएगा? चूली देह बांध, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे चो नहीं है, यहाँ पे चू है, चूली देह बांध। पाँच से पांचना बांध, चू से चूलू देह बांध, जागा से जग्गर बांध, करो से करौली भी आपका याद रह जाएगा कि कौन सा ये जिला है जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो पाँचू जागा करो से करौली के बारे में बताया जा रहा है। पाँच से पांचना बांध, चू से चूली देह बांध और जागा से जग्गर बांध। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये राजस्थानी ट्रिक्स का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है राजस्थान से जुड़े हुए लोग हो आप, और आसानी से आपको राजस्थानी समझ में आ रही होगी। और देख लो, नहीं समझ में आया तो आप बोल दो, हिंदी में बना दूंगा मैं इससे रिलेटेड ट्रिक्स आपके लिए। अब बात कर लेते हैं झालावाड़ के बारे में। अब झालावाड़ की क्या है, इसमें देखिए दोस्तों, एक तो है भीमसागर, झालावाड़ में क्या है? भीमसागर बांध, काली सिंध बांध या परियोजना, हरिश्चंद्र सागर और गागरीन सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? गागरीन सिंचाई परियोजना है। भीमसागर, काली सिंध बांध या परियोजना, हरिश्चंद्र सागर और गागरीन सिंचाई परियोजना। अब इन सबको हम याद कैसे रखेंगे? और याद रहने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो गागरीन है, तो आपने गागरोन का तो आपको पता होगा, गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ में ही तो है, तो ये गागरोन से ही बना, तो गागरीन याद रख लेना आप, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे हम, ये अपनी ट्रिक है। भीम काली हरी गागरी झाला, ये झाला हो गया, झाला दे या झाला देवे, तो देवे अपना यहाँ पे साइलेंट रहेगा। तो भीम से क्या हो जाएगा? भीम से हो जाएगा भीमसागर, भीम की, और ये की गलत लग गया होगा, भीम की काली हरी गागरी, चलो जोड़ लो इसको भी, कि यहाँ पे साइलेंट रहेगा। भीम की काली से काली सिंध बांध परियोजना हो जाएगा, और हरी से हरिश्चंद्र सागर हो जाएगा, गागरी से गागरीन परियोजना हो जाएगा। तो भीम की ये जो झाला उससे हो जाएगा झालावाड़, यानी ये जो अपनी ट्रिक है वो किसके बारे में? झालावाड़ के बारे में। भीम की काली हरी गागरी झाला देवे, तो भीम से भीमसागर, काली से काली सिंध बांध परियोजना, और हरी से हरिश्चंद्र सागर, गागरी से गागरीन परियोजना, ठीक है दोस्तों। और ये जो गागरीन से, इसके बाद में हम देख लेते हैं पाली के बारे में देखते हैं। इसमें एक तो है जवाई बांध, सबसे इम्पोर्टेंट और याद रखने योग्य चीज़ है। अब जवाई बांध के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, ये सुमेरपुर के निकट जवाई नदी पर स्थित पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। सुमेरपुर के निकट है और जवाई नदी पर स्थित है, ये इसलिए इसका नाम जवाई बांध है। कहाँ पे? सुमेरपुर के निकट जवाई नदी पर स्थित होने के कारण इसका नाम जवाई बांध है। और जो पश्चिमी राजस्थान है ना अपना, जो ये पश्चिमी राजस्थान है, इस एरिए में ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण करवाया गया था 13 मई को। किसने करवाया था? 1946 में करवाया था। और किसने करवाया था? ये करवाया था महाराजा उम्मेद सिंह ने, जोधपुर के जो महाराजा थे उम्मेद सिंह, उन्होंने करवाया था। और जो इसका इंजीनियर था वो कौन था? इसका इंजीनियर था एडगर। कौन था? एडगर। एडगर इसका इंजीनियर था। और किसके काल में हुआ था? उम्मेद सिंह द्वारा हुआ था। और 13 मई 1946 को हुआ था। 13 मई 1946 को हुआ था। तो आगे कौन, इसके अलावा कौन कौन सी? इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये जो बांध है ना, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बांध को किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध किस बांध को कहा जाता है? तो ये होगा जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कहा जाता है। अब हेमावास जो बांध है इसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक इससे रिलेटेड एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही है, ये जो सही बांध ना, उससे पानी लेने के लिए एक पर्वत में 7 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार की गई थी। जो पर्वत है उसमें 7 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार की गई थी जवाई बांध में पानी लाने के लिए, सही बांध से। ये जो सही बांध है वहाँ से पानी लाने के लिए 7 किलोमीटर लंबी सुरंग की गई थी पर्वत में, और यह 7 अगस्त 1977 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद में हेमावास बांध, ओके। फिर है बीठन बांध, बाकली बांध और पादरा टैंक। जवाई बांध, हेमावास बांध, बीठन बांध, बाकली बांध, पादरा टैंक। ये अभी देखने में तो इजी लग रही है कि याद हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे आएंगे ना और बाकी भी जिले हैं, तो ये सारे के सारे गुम हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रिक की अति आवश्यकता है। अभी देखते हैं इसका ट्रिक क्या है दोस्तों। इसका ट्रिक है जवा हेमा यानी जवान हेमा, पाद बाकी बेट। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन याद करने के लिए ये ऐसे ट्रिक चलते हैं। जवान हेमा पाद बाकी बेट, जवान हेमा पाद बाकी बेट। माय गॉड, जवान से जवाई बांध हो जाएगा, हेमा से हो जाएगा अपना हेमावास बांध, और पाद से हो जाएगा पादरा टैंक, और बाकी से हो जाएगा बांकली बांध, और बेट से हो जाएगा बीठन बांध। बेट से क्या हो जाएगा? बीठन बांध। जवान हेमा पाद बाकी बेट, ये पादने से रिलेटेड जो चीज़ है वो मैंने अपने इंग्लिश के टॉपिक में भी ट्यून वाला जो था, टर्न वाला, उसमें भी यूज करी थी। तो जहाँ जिस चीज़ से हमें याद होता है, और चाहे वो बुरी भी हो, तो हमें याद कर ही लेना चाहिए, उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और ये तो एक शारीरिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, सबके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हाँ, लाइक इसलिए भी बनता है, एक तो आपको पसंद आएगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। पसंद नहीं भी आए, चलो नहीं आए तो मत करना। अगर पसंद आ रहा है, और जो मैं इस समय गर्मी में अपना कूलर बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जवान हेमा पाद बाकी बेट, जवान से जवाई बांध, हेमा से हेमावास बांध, बीठन से बीठन बांध, और बाकी से बाकली बांध, और पाद से पादरा टैंक, और बेट से बीठन बांध। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा, हाँ एक चीज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इससे रिलेटेड अन्य जो शेष वीडियोज़ हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर मैं आपके लिए लाइव क्लास आप टाइम बता देना, लाइव क्लास में ये सारे एक साथ कंप्लीट करवा देंगे जब आपको समय हो उस हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।